माइसेल्फ प्राची एंड होने वाली सेम प्राची। गाइस आप लोग का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस मैं डिस्कस करने वाली हूँ हमारा न्यू सब्जेक्ट जो कि है स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस मैं आपको बता दूं कि हमने हमारे सीएमए फाइनल के पूरा मॉड्यूल को कवर किया है, एसपीएम का मतलब जितने भी थ्योरी पार्ट्स है हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। एंड गाइस बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने सारा कुछ कवर किया है सो दैट गाइस आप लोग का टाइम सेव हो। ठीक है, एंड गाइस हमने प्लान किया है कि हम हैंड रिटन नोट्स लाए हैं आप लोग के लिए सो दैट गाइस आप लोग को रिविजन के टाइम पे एकदम इजिली रिकॉल हो जाए। बिकॉज गाइज जो हमारा एस पी एम का सब्जेक्ट है, तो गाइज मैं आपको बता रही थी कि जो हमारा एस पी एम का सब्जेक्ट है वो पूरा 50 मार्क्स कवर करता है। एंड गाइज मैं इसके पूरे 100% हैंड रिटन नोट्स लाई हूँ आप लोग के लिए सो दैट गाइज आप लोग को इजिली सब कुछ रिकॉल हो जाए एग्जाम टाइम पे। और गाइज आप देख सकते कितने कलरफुल नोट्स है हमारे, और गाइज ये इजी टू रिकॉल इजी टू रिमेम्बर भी है। ठीक है गाइज, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसी फर्स्ट पेज है जिससे मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, अपन देखते हैं। चलो सबसे पहला चैप्टर अब आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, ये अपना फर्स्ट चैप्टर है तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से क्या समझते हो गाइस? किसी भी इंसान का एक परफॉर्मेंस, मतलब उसने ड्यूरिंग द ईयर क्या काम किया, ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टेन्योर नॉट अ ईयर, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में कभी भी देख सकते हैं आप। और अपन को वो पता लगाना है कि कितना उसका परफॉर्मेंस क्या था और उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक फिक्स्ड ऐसा मैंडेटरी नहीं होता कि आज करना है, नहीं आज नहीं कल करना है, नहीं नहीं यार ईयर एंड में करना है, एक बार करेंगे ना हो जाएगा, तो भाई ऐसा टाइप का नहीं होता है। इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंटिन्यूसली चलते रहता है, कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। और गाइस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम फॉर्मल हो, ठीक है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, एकदम कंपलसरी नहीं होगा कि आप और आपका एम्प्लॉयर ऐसे आमने सामने बैठे हो एंड देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइप का बैठे हो और वो आपके बारे में ऐसे टेबल ठोक ठोक के बता रहा है ऐसे करना चाहिए आपको, ऐसे हो रहा है, या फिर आपको रेटिंग्स दे रहा है कि आपने 3 स्टार काम किया है, बस आपने आपके टारगेट्स अचीव नहीं किए एंड ऑल गाइस। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है बट ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल मतलब कंटिन्यूसली चलते रहेगा और फ्लेक्सिबल है। हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको बोले कि लेट्स गो फॉर अ टी, लेट्स गो फॉर अ कॉफी एंड देन आप लोग डिस्कस कर रहे हो कि क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना चाहिए, किस तरीके से आपने कोई काम किया अगर वो सही नहीं है तो कैसे उसको सही कर सकते हैं, कैसे आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस है, आप में क्या कमी है, आप में क्या अच्छाई है, आप कैसे बाकी लोगों से अलग हैं, ये सारे डिस्कशन ऐसा आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है गाइस। तो ये जो रहता है ना ऐसे नहीं है बिल्कुल भी कि आज आपका किया एंड देन कल नहीं कर सकते, लाइक ये कंटिन्यूसली हो सकता है 15 डेज में, 1 वीक में, 1 मंथ में, अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। ठीक है गाइस, देन आगे बढ़ते अपन। इसमें अपन करते क्या है, मेनली अपन क्या करते हैं इसमें, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं एंड डेवलप करते हैं परफॉर्मेंस को इन ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज गाइस हर इंसान को ना, जब आप कमाने जाओगे, जब आप अपनी फर्म जाओगे, जहाँ पे आपको काम करना है वहाँ जाओगे, तो आपके दिमाग में एक प्रस्पेक्टिव रहता है अर्निंग का कि मुझे अर्न करना है, मुझे अर्न क्या करना है। हमेशा पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। आप कह सकते हो ना कि मैम मुझे स्किल्स डेवलप करना है, मैम वहाँ सीखने जाता हूँ, मैं अपनी स्किल्स को एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ सो दैट मैं अपना स्टार्टअप कर सकूँ, या मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके कोई अच्छी जगह अच्छा पैकेज में जा सकूँ, या फिर मैं अपनी खुशी के लिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ तो, और हमें को अच्छे पैसे भी तो कमाने ही हैं। तो गाइस बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेके अपन चलते हैं जब अपन परफॉर्मेंस, मतलब अपनी परफॉर्मेंस अपन देते हैं एंड अपन जाते हैं ऑफिस। तो ठीक है, तो उसी में ये एज ए एम्प्लॉयर का काम है ये कि उसमें से वो आइडेंटिफाई करे ऐसा वाला जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मददगार हो।
मतलब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जो इम्प्लॉयर होता है और जो इम्प्लॉई होता है, इन दोनों के बीच में ऐसा, मतलब जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करती है, एम्प्लॉयर जो रहता है वो ऐसे मैनेज करता है चीज़ों को ताकि जो पर्सनल गोल है उसका और जो बिजनेस का गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो दोनों मैच हो जाए। और जब मैच होंगे तब सबका फायदा होगा, सबका फायदा, सबका विकास। जैसे कि गाइस आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी कुछ फायदे हो रहे हैं, एंड आप पढ़ रहे हो आपको भी कुछ फायदा हो रहा है। तो ये विन विन सिचुएशन है, इसमें किसी को भी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, हम दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। तो वैसे ही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जो इम्प्लॉयर रहता है वो कुछ इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है कि दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो, एज इम्प्लॉई हैप्पी रहे, इम्प्लॉई एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे, अपनी चीज़ों से खुश रहे, और एज अ इम्प्लॉयर वो अपने टारगेट्स अचीव कर पाए, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए, अपना मिशन विजन को अचीव कर पाए। ठीक है गाइस, तो इसमें मेन काम क्या रहता है कि वो लिंक करे चीज़ों को, लिंक करे इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव से। इसका मेन काम ये रहता है, ठीक है। अब आपको इसमें दो एलिमेंट देखने को मिलेंगे, दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया इस कंटिन्यूसली चलते रहती प्रोसेस, ऐसे नहीं है कि आज मैंने किया तो मैं कल नहीं कर सकती गाइस। जब हमको लग रहा है कि हमको इम्प्लॉय को थोड़ा गाइडेंस देना है, जब उसको हमारी ज़रूरत है, हमको ऐसा लगता है, तो अपन दे सकते हैं उस समय, ठीक है। तो कंटिन्यूसली ऐसा कुछ नहीं कि आज इस साल देना है, इस तारीख को, इतने तारीख को फिक्स है। जैसे 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो वो फिक्स है कि उतनी तारीख को ही क्लोज होगा। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता कि ये फिक्स है इतने तारीख को ही होगा, कभी भी हो सकता है, ठीक है। देन गाइस आगे बढ़ते अपन, ये लिंक करता है ये मिशन और ऑब्जेक्टिव को। जैसे मैंने आपको बताया एक इंडिविजुअल जो चाहता है वो क्या चाहता है, मैं स्किल सीखूँ, मैं पैसा कमाऊँ, और एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो चाहता है मैं ग्रो करूँ। तो ऐसे स्किल सेट के साथ, मतलब जो एम्प्लॉयर है उसको इस तरीके से मोटिवेट करेगा कि वो अपना काम पूरा एफिशिएंटली करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेस है वो अपने आप ही ऑप्टिमम यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब एज एम्प्लॉय समझ लीजिएगा इस कि मैं इम्प्लॉय हूँ, मेरा मकसद है कि मैं आज अगर ऑफिस आऊंगी तो मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊंगी, उसके बिना तो मैं जाऊंगी नहीं। अगर मैं ऑफिस आई हूँ तो मैं कम से कम रिटर्न फाइलिंग करने जैसे छोटा सा काम तो सीख लूँ, कुछ ना कुछ तो मैं नया सीख के जाऊँ, ये मेरा मकसद है, ठीक है। और ऊपर से मुझे अर्न भी करना है, मैं ऐसे चैरिटी पर्पज से नहीं आती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ कमाऊँ विथ, मैं कुछ स्किल्स सीखूँ, ये मेरा एज एम्प्लॉय मेरा चाहत है, ठीक है। अब आप बन जाओ एम्प्लॉयर, आप हो मेरे बॉस, ठीक है। अब आपका काम है कि आप मेरी खुशियाँ को ध्यान रखते हुए अपनी खुशियाँ को लिंक करो। मतलब आपका क्या हो ऑब्जेक्टिव होगा कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है, मेरे को अमीर बनना है, मेरे को अपनी बिजनेस को ऊंचाइयों पर लेके जाना है, ये आपका मकसद होगा। तो आप मेरे साथ क्या करोगे, आप मुझे समझाओगे कि देखो प्राची आपको क्या करना है, आपको काम को इस तरीके से करना है, आप मुझे काम सिखाओगे। जैसे आप मुझे काम सिखाए सही ढंग से, तो उससे क्या हुआ, मेरी स्किल्स इंप्रूव हुई, मैं हैप्पी महसूस की, ठीक है। तो मैं वो काम को बहुत अच्छे से करूंगी, मन लगा के करूंगी, तो उससे क्या होगा, सारे रिसोर्सेज जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के वो ऑप्टिमम यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही अगर मैं रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करूंगी गाइस, तो आपके रिसोर्सेज सेव होंगे, मतलब वेस्टेज से सेव होंगे, बर्बाद नहीं होंगे, ठीक है। तो वो सब चीजें सेव होंगे, तो अल्टीमेटली जैसी मैं वेस्टेज कम कर दी, लॉसेस कम कर दी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस कम कर दी, उससे क्या हुआ, सीधा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा, कि जैसी वेस्ट कम होगा कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऐसे करके, और मेरे को एक सैलरी, एक बोनस ये सब देना, आप ऐसे मुझे टारगेट ऐसे सेट करके दो कि प्राची अगर इस मंथ आपने इतनी सेल्स अचीव की तो आपका बोनस हो जाएगा डबल। तो ये एक मोटिवेशन मिलेगा एज अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को कि मेरे को मेरा बोनस डबल करना है, उसके लिए मेरे को वो टारगेट अचीव करके देना है। तो आप मुझे इस तरीके से मोटिवेट करोगे तब तो काम होगा ना। अगर आप मुझे मोटिवेशन ही नहीं दोगे, आप लिंक ही नहीं करोगे ऑब्जेक्ट्स को दोनों, तो कभी दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय खुश नहीं रह पाएंगे। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऐसा काम होता है जिसमें आप मुझे टारगेट्स दोगे अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए, जिसमें मेरा फायदा भी जुड़ा रहेगा। इज दैट क्लियर गाइस, आगे बढ़ते हैं अपन। तो गाइस दो टाइप का अपन अप्रोच पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एक होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये ब्यूटीफुल नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो गाइस यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दिस नोट्स, बिकॉज गाइस ये नोट्स काफी कलरफुल बनाए गए हैं,
टू द पॉइंट. और गाइस आप बस इतना पढ़ के जाओ, मेरे तरफ से आप अश्योरेंस लिख के ले लो, पब्लिकली यूट्यूब में कह रही हूँ मैं, जितना नोट्स में है उतना आप लर्न करके जाओ. डेफिनेटली टू डेफिनेटली आप 40 प्लस लाओगे एसटीएम में, 40 प्लस लिख के ले लो, ठीक है. इतना ही पढ़ के जाना है गाइस, ज्यादा नोट्स मैंने बनाए नहीं है. बल्कि नोट्स बनाते गाइस लोग, क्या मतलब इतना सारा पढ़ने का जब याद इतू सा रहता है. इतू सा पढ़ के जाओ ना ताकि इतू सा याद रहे, ठीक है. क्यों बर्डन देना इतना इतना, लोड मत लो यार, चिल करो. चल थोड़ा सा पढ़ के जाओ, अच्छे से लिख के आओ, इतना सारा पढ़ के जाओ सब भूल जाओ, ठीक है. तो चलो आगे बढ़ते हैं गाइस. तो मैं आपको बता रही थी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बीच का क्या डिफरेंस होता है. गाइस आपको लग रहा होगा कि ये लोग सेम होते हैं, ऐसा नहीं है, सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं. एक बारीक सा डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है. चलो तो गाइस जो अब पहले आपको मैनेजमेंट के बारे में तो मैं इतना सारा भाषण दे चुकी हूँ, तो अब मैं आपको अप्रेजल के बारे में थोड़ा सा दे देती हूँ, तो बैलेंस हो जाएगा, फिर डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है. तो गाइस जैसे कि आपको मैं अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, जब गाइस मैनेजमेंट है ना तो उसमें आपको एकदम पॉजिटिव वाइब्स आएगी, लाइक कॉफे पे जाना, वहां पर अप्रेजल होना और बोरिंग से टेबल में बैठ के अप्रेजल करना, आपको आपको बोलने का मौका मिले, वो सामने वाला आपको कुछ बोले, आप उसको बोलो तो मजा आता है. तो ये क्या हुआ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. उधर से ही बस बोले जा रहे और आप बैठ के बस सुन रहे हो, कब खत्म होगा ये बकवास, कब मैं घर जाऊंगी यार, कुछ काम की बात तो करता नहीं है मोटा कहीं का, ठीक है. इधर होगा कि आप लोग क्या करोगे, कंटिन्यूसली रिव्यू लेते रहोगे, हर मंथ आपको इंतज़ार रहेगा उस मीटिंग का जिसमें आपको बताएंगे कि आपने इससे बेहतर काम किया है, आपने इस मंथ इतना अच्छा अचीव किया अपना टारगेट, आप ऐसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो. और यहाँ पर साल में एक बार आएगा वो दिन जिसका आपको कभी भी इंतज़ार नहीं रहेगा, आप सोचोगे वो दिन आए ना जिसमें आपको फालतू के 20-25 मिनट के भाषण सुनने को मिले. तो आई होप गाइस आपको डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा और आपको पता भी चल रहा होगा कि इस टाइप से होता है. तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा इसमें से बता देती हूँ, सो दैट आपको भी लिखते बने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होता है ना गाइस, वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस एंड फ्लैक्सीबल, ठीक है. कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस एंड फ्लैक्सीबल रहता है, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए. और इसमें मैक्सिमम अमाउंट की बातचीत होती है, लाइक जब भी गाइस आप रिलेशनशिप में हो गए, इतने बड़े हो गए तो लोग रिलेशनशिप में रहते ही है, नहीं भी हो तो ठीक है, लोग रहते हैं, आप अपनी कहानियां वहानी तो सुने ही होंगे लोगों की. तो उसमें सोचो गाइस अगर दो जन के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों को मुंह फुला कर बैठे ऐसा करके, ठीक है, और गाइस वो लोग बात नहीं करेंगे तो मैटर कैसे सॉर्ट आउट होगा. तो अगर आप सिंगल हो तो जाके उनकी मदद करो और थोड़ा ज्ञान दो कि बातचीत कर लो, अभी भी मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है, ठीक है. तो गाइस जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना उसमें बातचीत करते हैं ताकि मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, मैटर इजीली रिजॉल्व हो जाए और हमारा टाइम भी सेव होता है ना ये सब चीज़ों में. फालतू मुंह फुला के चार दिन तक रखोगे दोनों दुखी, क्या ही मतलब ऐसे फालतू में, इससे अच्छा तुरंत सॉर्ट आउट कर लो ना सब खुश. तो गाइस इसमें क्या होता है, मैक्सिमम टाइम मतलब मैक्सिमम डायलॉग होता है, मतलब बातचीत अच्छे से होती है, ठीक है. गाइस ये मैं बीच बीच में जो मजाक करती हूँ वो आपको याद रखने के लिए करती हूँ, सो दैट आप कभी भूलो ही ना ये सब पॉइंट्स, ठीक है. देन गाइस अप्रेजल में क्या होता है, इसमें एकदम लिमिटेड अप्रोच रहती है. जैसे कि इंटरव्यू में जा रहे हो, आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, फिर आप एकदम घबराए हुए डरे हुए हो और आप ऐसे जाके बैठे हो, ठीक है. उसके बाद फिर लिमिटेड टाइम का रहता है, 10 मिनट 15 मिनट, आई डोंट नो, बट ऐसे लिमिटेड टाइम का रहता है इतना मुझे पता है. ठीक गाइस तो अपन मैनेजमेंट देखिए, अब अपन देखते हैं अप्रेजल, ठीक है. तो अप्रेजल में क्या करते हैं, मैंने बताया अभी आपको, जैसे कि लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है, ठीक है, उस पर अपन को कंप्लीट करना होता है, ठीक है. एक एनुअली रहता है इसमें सेट किया, एनुअली होगा. और जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस कि उसमें ऐसा अपन ऐसा क्यों आ गया ये दिन, आज ही आना था क्या, फिर वो बुढ़ा बकवास करेगा, हाँ नहीं तो क्या, इतना सारा सुनाते रहता है हर साल, ये मीटिंग होनी जरूरी है क्या, जान पूछ के वो मेरे को कम रेटिंग देता है, मैं उसको पसंद नहीं हूँ ना, हाँ नहीं तो क्या, जिल कुकड़ा कहीं का. तो गाइस ऐसे टाइप का अपन का होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में. गाइस प्लीज जोक्स अपार्ट, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, प्लीज किसी कोई बुरा मत मानना, ठीक है. गाइस अपन देखते हैं कि इसमें ज्वाइंट प्रोसेस होती है, ज्वाइंट प्रोसेस मतलब मैं और आप मिलके बात करेंगे ना, बातचीत बातचीत, ठीक है. बट इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें एम्प्लॉयर है मैं एम्प्लॉई हूँ, तो वो बस भोगता रहे, आई मीन वो बस बोलता रहेगा एंड मैं सुनते रहूंगी, ठीक है. तो टॉप डाउन होता है.
देन गाइस कंटिन्यूअस रिव्यू इसमें हमेशा से रिव्यू रिव्यू चलते रहता है एंड इसमें एनुअल एनुअल अप्रेजल में से एक बार मीटिंग होती है, काम खत्म। इसमें अपन रेटिंग देते हैं, बहुत मतलब ज्यादा रेटिंग देने का काम नहीं होता बिकॉज अपन कंटिन्यूसली मिलता रहता है, तो इसमें क्या रेट करोगे आप, 3 स्टार था 2 स्टार था ऐसा नहीं होता। बट जब अपना एनुअली होता है तो उसमें अपन रेट देते हैं कि हाँ यू आर 5 स्टार एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, यू आर वर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, यू आर 3 स्टार, यू आर एवरेज, यू आर वॉट एवर। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज गाइज लाइक करके मुझे बताएं, सो दैट मुझे तो पता चले कि आपको अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है। कैसे पता चलेगा, तो प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो। ठीक है, अब गाइज जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है और ये मोनोलिथिक होता है, मतलब एक जैसे एकदम कॉमन सा होता है और ये फ्लेक्सिबल रहता है। लाइक अपन डेट टाइम प्लेस वी कैन चेंज एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम। ठीक है, देन फोकस ऑन वैल्यूज, इसमें अपना बिहेवियर एंड वैल्यू के साथ साथ ना अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव ये, हमारा ऑब्जेक्टिव ये, दोनों को कैसे मिलाए, हमारा मकसद ये रहता है। बट इसमें क्या रहता है, क्वांटिफाइड रहता है ऑब्जेक्टिव, लाइक ये ऑब्जेक्टिव ये है जो है वो है। ठीक है, इसमें अपन डायरेक्टली लिंक नहीं करते, मतलब गाइस हमेशा पैसे ही सब कुछ नहीं होते ना। जैसे कि मैंने बताया कि एज एम्प्लॉय मैं चाहूंगी कि मेरे स्किल्स भी इम्प्रूव्ड हो, मेरे को एक अच्छा एटमोसफेयर मिले, मुझे रेस्पेक्ट मिले एज एम्प्लॉई। ठीक है, अगर समझ लो आप ऐसा ऑफिस में ज्वाइन करते हो जहाँ पर आपको आपका मतलब लाइक आपको स्माइली फेसेस से आपको वेलकम करते हैं। ठीक है, वेलकम इन द सेंस आप आए हो तो स्माइल पास करना, ये तो एक जेन्युइन चीज़ है जो कर सकता है कोई भी। ठीक है, एंड वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है। ठीक है, फिर आपका ध्यान रखा जाता है वहाँ पर, आपको ये मतलब बेनिफिट्स ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स एंड अदर बेनिफिट्स ऐसे मिलते हैं जो आपकी फैमिली का भी ध्यान रख सके। ठीक है, बट गाइज वही आपको ये एक तरफ हो गया एंड देन दूसरी तरफ ये है कि आपको सिर्फ बोलेंगे कि यार ये काम करना है, कितना पैसा चाहिए, मतलब कितना पैसा चाहिए, इन द सेंस हर चीज़ बस पे से जोड़ देंगे ना। वहाँ पे आपको कोई स्माइल पास करता है ना, आपकी वहाँ पर कोई इज्जत है इस टाइप से एज ए इम्प्लॉई, आप वहाँ पे खुश महसूस नहीं करते, बस वहाँ पे आपको हायर सैलरी मिल रही है, दैट्स व्हाई यू आर वर्किंग देयर। तो उस टाइप से रहता है गाइज अप्रेजल में, बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ऐसा नहीं रहता। वहाँ पे आपके नाम लेके आपको भुलाएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, और वही अगर आपको ऐसे बोलेंगे एम्प्लॉय नंबर वन इधर आओ, अरे तुम वो पीछे वाले, अरे यू न्यू जॉइनी कम हियर, तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद फिर इसमें अपन गाइस मिनिमम से मिनिमम डॉक्यूमेंट रखते हैं बिकॉज गाइस चलते रहता नहीं प्रोसेस, तो आप हर चीज नोट बना बना के थोड़ी ना लिखते रहोगे। बट गाइस ये ब्यूरोक्रेटिक होता है, एक साल में एक बार करना ही पड़ता है, तो उसमें बना लेते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स। इसमें गाइस देखो जैसे कि मैनेजर जो रहता है ना वही काम करता है, बिकॉज गाइस आप जो हो एम्प्लॉय आप किसके हो, मैनेजर के अंडर काम कर रहे हो, तो अगर वो आपको गाइडलाइन देगा, वो आपको बताएगा आपके बारे में, तो वो बेटर होगा बिकॉज उसके साथ कनेक्शन में हो आप होल द ईयर एंड जब भी आप लोग डिस्कशन कर रहे हो, तो आप लोग का कनेक्शन ज्यादा मजबूत है और आप उसको रिपोर्ट करते हो, वही आपको काम दे रहा है, तो वो आपको रिव्यू देगा तो बेटर रहेगा। बट अप्रेजल में क्या होता है, अप्रेजल में एचआर डिपार्टमेंट जो आपको हायर किए रहते हैं, भले वो आपको रिपोर्ट आप किसी और को कर रहे हो बट आपको रिव्यू वो देंगे, तो एचआर डिपार्टमेंट है वो लोग अगर आपको अप्रेजल करेंगे आपको बताएंगे तो गाइस उतना इफेक्टिव नहीं जाता। ठीक है गाइस, मोर और लेस मैंने आपको सारे डिफरेंसेस समझा दिए है एक्सप्लेनेशन परस्पेक्टिव से, रीड परस्पेक्टिव से एंड लर्न परस्पेक्टिव से। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको मजा भी आया होगा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं अपन, तो गाइस अभी अपन पढ़ने वाले हैं कि जो अपना ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का साइकिल किस टाइप से रहता है, लाइक अपन कैसे ग्रो थ्रू करते हैं। ठीक है, कैसे अपन मूव करेंगे मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप प्लान करोगे चीज़ों को। जब इंसान के मन में गोल रहेगा तब तो क्या ना वो काम करेगा, गोल है ही नहीं और सोच रहे हो काम करना है काम करवाना है कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लान करना है, गोल सेट करना है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर एक्ट करोगे। जैसे कि अपने पास समझ लो गाइस, आप मान लीजिए आपको भाग के शादी करना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो भाग के शादी करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक दिमाग में मास्टर प्लान होना चाहिए कि भाग के शादी करने के लिए सबसे पहले मेरे दिमाग में मास्टर प्लान ये होना चाहिए कि शादी से भागने के लिए हमको सबसे पहले तो एक दो लोग को अपने साइड लेना पड़ेगा जो हमको हमारी जर्नी में सपोर्ट करें। ठीक है, देन हमारे पास थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम कहीं पर भी जाए तो पैसे तो होने चाहिए ना, नहीं तो कैसे करोगे। ठीक है, फिर आप जहाँ पर भी भाग के जाने वाले हो वो जगह सिक्योर होनी चाहिए और आपके घर वालों को नहीं पता होनी चाहिए।
ऐसे फ्रेंड के घर जाना जो जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ प्लान बनाते हैं अपन, ठीक है। ये थोड़ा मूवी से रिलेटेड था, ठीक है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और होने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो उसके गाइज आप एक्ट करोगे, मतलब एक्ट इन द सेंस आप ऐसा अपना लहंगा उठाओगे, भागना शुरू करोगे, ठीक है। फिर आप मॉनिटर करोगे, मॉनिटर इन द सेंस कि मैंने सोचा था कि यार सबसे पहले मैं इस ये वाली खिड़की से कूद के बाहर जाऊंगी, एंड देन खिड़की से कूदने के बाद मेरे को यहाँ पर एक बस मिलने वाली, देन मैं बस में चढ़ूंगी, एंड देन फिर यहाँ पर बस स्टॉप आएगा। तो भाई इस मॉनिटर कैसे करोगे कि 10 मिनट में बस आने वाली है, मतलब मैं सही टाइम पे यहाँ पहुंच गई हूँ, अभी तक किसी को पता नहीं चला होगा कि गूगल के अंदर कौन है। तो गाइस ये थोड़ा मॉनिटर हो गया, ठीक है। देन गाइस बाद में जब आप बस में बैठे रहोगे तो आप रिव्यू करोगे, हाँ यार मैंने एकदम परफेक्ट किया ये सब करके, ऐसे करके, ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस आपको इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लगा होगा। तो गाइस ये पूरा मूवी का स्टोरी समझ लो आप, वहीं से कॉपीड है, ठीक है। तो गाइस अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अपन को मैनेज करना है परफॉर्मेंस किसी का, तो अपन प्लान करेंगे ना कि सामने एम्प्लॉय आएगा हमारे तो उसको क्या बोलना है, प्लान करके जाओगे थोड़ा। फिर गाइस जब वो आएगा तो आप बताओगे उसको, ऐसा मोटिवेट करोगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, तुम्हारा ये, हम मिलजुल के ऐसे कर सकते हैं। जब गाइज आप लोग का ये बातचीत हो गया तो असली में जब वो एक्ट करेगा, जब वो काम करेगा, तो आप उसको मॉनिटर करोगे, हाँ हम लोग ने जैसे प्लान बनाया था वैसे ही ये काम कर रहा है, ठीक है। एंड देन गाइज नेक्स्ट मीटिंग में आप उसको रिव्यू दोगे कि देखो मैंने तुमको ऐसे बोला था, तुमने ऐसे किया, दैट्स परफेक्ट, ठीक है गाइज। आई होप गाइज आपको ये डायग्राम बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा और आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा विद माई फनी एग्जाम्पल एंड माई अच्छा वाला एग्जाम्पल। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो अपन इसको यहीं पे बंद करते हैं। वी विल मूव फर्दर ऑन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगती होगी और आपको बहुत मजा आता होगा थ्योरी पढ़ने में, एंड आई होप गाइस आप लर्न भी करोगे साथ साथ में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये नोट्स लीजिए, कम से कम गाइस इसको आप 5 बार बस पढ़ लोगे ना आपकी जिंदगी एकदम सेट है। 45 40 to 45 कहीं नहीं गया SPM में आपके। आप बोलोगे मैम आप थ्योरी में इतना दावा दे रहे हो, यस गाइस बिकॉज इसमें जितना मैंने इसमें नोट्स में प्रिसाइजली लिखा है वो पूरे एकदम क्वालिटी आंसर को फुलफिल करने के लिए एकदम बेस्ट है। तो गाइस मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अच्छे से पढ़ो, लेक्चर्स देखो, 2 बार लेक्चर देख लेना, 5 बार इसको पढ़ लेना, काम खत्म। और गाइज ये इजी सब्जेक्ट भी है तो आपके स्कोरिंग में बहुत 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 हेल्प करेगा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ठोक देना, बहुत अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब खुद के फोन से और बाकियों के फोन से भी कर देना। और गाइज शेयर तो आपको वैसे भी करना है, आपके फ्रेंड्स इतने सारे हो गए सबके साथ शेयर करना, ठीक है। तो गाइज अपना ध्यान भी रख लेना और बाय गाइज।